माँ के हाथ की बनी, माँ के प्यार की बनी हुई बिरयानी। ओहो, इसमें एक माँ का प्यार नहीं है, दो माँ का प्यार है। दो माँ है इसमें। नमस्ते दोस्तों, तो जी मैं आप लोगों का दोस्त जय आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ एक और फूडिया मस्ती के स्वाद भरे एपिसोड में। तो यार आपको और जैसे हमको सबको पता ही है, नवरात्र के बस कुछ रोज़ और रह गए हैं, जल्दी माता रानी हमारे घरों से विदा ले लेंगी, लेकिन हमारे जीवन से नहीं। तो जाते जाते माता रानी ने हमें आशीर्वाद के फलस्वरूप हमें मिलवाया है एक ऐसी वुमेन से, एक ऐसी शख्सियत से जो कि भैया एक वुमेन, एक रियल वुमेन आइडेंटिटी की एक प्रतीक है। अब वुमेन रियल आइडेंटिटी, रियल वुमेन आइडेंटिटी क्या चीज़ है मैं बताता हूँ, जो कि वॉरियर, सर्वाइवर और भैया फाइटर हो, ठीक है। वो लेडी जो हर विपरीत परिस्थिति में लड़ना भी जानती है, उससे जूझना भी जानती है और उससे उभरना भी जानती है। और ये सिर्फ मैं नहीं कहता, KGF मूवी में हम सबके चेहरे रॉकी भाई साहब ने भी कहा है। एक डायलॉग था ना उनका, क्या था मैं बताता हूँ, इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। तो उन्होंने भी ये चीज़ कही है। तो मिलते हैं भैया ऐसी एक मैडम से जो यहाँ पे नेहरू प्लेस जैसी मार्केट, जो बड़ी मार्केट है, जिसको एशिया, इंडिया का ही नहीं सबसे, एशिया का भी सबसे बड़ा कंप्यूटर मार्केट माना जाता है, जो एक मेल डोमिनेंस मार्केट है। मैंने अपने लाइफ में जब से मैंने यहाँ पे देखा, किसी वुमेन को अपना कोई रोज़गार शुरू करते हुए यहाँ पे नहीं देखा, कोई बिजनेस शुरू करते हुए नहीं देखा, लेकिन इन सब विपरीत परिस्थितियों को हटाते हुए, सबसे लड़ते हुए एक वुमेन यहाँ पे ऐसी शॉप लगाई है, एक बिरयानी की शॉप लगाई है। तो मैं बहुत बोल चुका हूँ, बाकी की जो कहानी है हम उन्हीं मैम की जुबानी जानेंगे कि उन्होंने कब से शॉप शुरू कर रखी है, कितना टाइम हो गया, क्या रीज़न था शॉप शुरू करने का। चलिए बात करते हैं एक बार। तो मैम एक बार आ जाइए। नमस्ते, कैसी है मैम? पहले सबसे पहले एक बढ़िया, हम भी बढ़िया मैम। तो एक बार हमारे दर्शकों को अपना नाम बता दें। मेरा नाम पूजा है। पूजा नाम है आपका, ओके मैम। और क्या रीज़न था मैम ये जो आपने अभी शुरू किया गोल्डी बिरयानी को शुरू करने का? मेरे ख्याल से भैया इस चीज़ का ना मुझे ना रीज़न बताना नहीं चाहिए, रीज़न तो इसका जवाब आप लोगों के पास ही है। बताओ, के पास ही है ये इस चीज़ का जवाब है ना, आप लोगों के पास ही है। आप बताओ क्या कारण होता है कि कोई विमेन, कोई लड़की, कोई ऐसे रोड पे, ऐसे प्लेटफॉर्म पे कुछ काम लेके बैठी, तो क्या रीज़न हो सकता है, आप बताइए। रीज़न यही है कि आपको अपना या तो पैशन कुछ होगा इस तरीके से। नहीं, मतलब ये मेरा, देखो फूड का मेरा पैशन है, आई नो, मुझे क्रेज है चीज़ों के साथ में, मुझे ट्रीटमेंट करने का या नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने का मुझे बहुत शौक है। और क्या कहते हैं, ये जो प्लेटफॉर्म पे मैं आज खड़ी हूँ ना, तो भैया किस वजह से खड़ी हूँ, ये जो लगा हुआ है ना आगे, ऊपर वाले ने जो दिया है, ये इसके कारण खड़ी हूँ मैं। अच्छा। कोई मैं ऐसे ही नहीं खड़ी हूँ, चार पेट दे रखे हैं भगवान ने, एक मेरा हो गया, दो बच्चे हो गए, दो मम्मी पापा हो गए। तो मैंने बताया था ना कि दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है, तो बस वही प्रतीक है, उन्हीं की प्रतीक है ये लेडी। तो मैम आज बताइए आपने क्या क्या चीजें प्रिपेयर कर रखी है आज अपने पिटारे में? हमारे पिटारे में आज आपके लिए है गोल्डी बिरयानी, तो रहेगा सर गोल्डी बिरयानी क्योंकि वो हमारा। मैम एक क्यूरियोसिटी और बनी हुई है जी, गोल्डी बिरयानी नाम से कैसे शुरू किया? गोल्डी जो है हमारा पेट है, पेट है, मतलब क्रोकोडाइल है। क्रोकोडाइल नहीं है, क्रोकोडाइल रखेंगे तो हमें खा जाएगा वो, तो क्रोकोडाइल कैसे रहेंगे? पेट में क्या है? देखो पेट क्रोकोडाइल नहीं होता है, पेट होता है तोता हो गया, मैना हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ये तो हमारा प्यारा सा डॉग है ये तो। अरे मतलब आप डॉग लवर भी बहुत अच्छे हैं। जी हाँ बिल्कुल, डॉग लवर मैं उस लेवल पे बोल सकती हूँ, ना कि जो आप लोग जो ब्रीड खरीदते हो वो ब्रीड मेरे पास नहीं है। okay. मेरे पास नॉर्मली स्ट्रीट डॉग है, एक, एक फीमेल डॉग थी बच्चों को। ब्रीड की बात तो करिए, मतलब डॉग तो डॉग ही है। देखिए नहीं नहीं होता है ना, कुछ लोग होते हैं कि ब्रीड लवर्स होते हैं, ये ब्रीड हो गई, ये ब्रीड हो गई, इतने महंगे महंगे कुत्ते लेके आते हैं ना भैया, मेरी औकात ना इतने महंगे कुत्ते लेने की, मैं तो देसी कुत्ते को अडॉप्ट किया है मैंने, और बच्चे की तरह, अपने माँ की तरह मैंने अपने बच्चे की ऐसी सेवा करी है। आज वो शेयर हो रहा देख लो, दस इतना लंबा हो रहा, खड़ा होता ना मेरे से ऊंचा हो जाता है वो। तो देख सकते हो मैडम ने कितने प्यार से एक डॉग को अडॉप्ट किया, उसको पाला पोसा। तो भैया जैसे कहते हैं ना, गरीब का भली जेब छोटी होती लेकिन दिल बहुत बड़ा होता है, बस ये बहुत बड़ी चीज है मैडम ने पाला। असल में मैं भी डॉग लवर हूँ, ऐसी बात नहीं है, ऐसे मैंने योगी को अपने साथ नहीं रखा हुआ है, मतलब उसको भी डॉग पसंद है, उसको भी डॉग पसंद है इसलिए। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है मैम, वो दूसरे तरक्की से नहीं लेनी बात, ठीक है। तो अब आइए दोस्तों देखते हैं मैडम ने आज पिटारे में क्या क्या सजा के रखा हुआ हमारे लिए। देखिए जी हमारा आइकॉन तो रहेगा, वो एवरीडे आपको मिलेगा ही, ये हमारी वेज बिरयानी, गोल्डी बिरयानी। तो ये है मैडम की गोल्डी बिरयानी, जिसमें सोयाबीन, थोड़ा सा फूड कलर भी है। और मैडम क्या क्या चीज इसमें और डालते हैं? देखिए इसमें हम गाजर डालते हैं, गोभी डालते हैं और बीन्स डालते हैं। मैं कभी कभी होता है ज्यादा सब्जी अच्छी सी मिल जाती है तो और डाल देते हैं बढ़िया सी सब्जी। ओके 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 जी। और ये है क्या कहते हैं, बासमती राइस, पूरे नेहरू प्लेस में अगर ये बासमती राइस, सॉरी बासमती राइस अगर कोई खिला रहा है ना तो मुझे बता देना भैया, बासमती राइस ये 150 रुपए किलो वाला कौन खिला रहा है तुम्हें? मैम का एक चीज बड़ा मुझे अंदाज अच्छा लगा, बड़े फ्रैंक होके बड़े तरीके से बात करती है एकदम देसी तरीके से। भैया देसी है, देसी खाना देसी रहना। मैम आपकी कोई चटनी
चटनी वटनी बड़े फेमस हो रखी है। देखो डिब्बा भर के पीस के लाए थे खत्म हो गई, चटनी मांगते तो भाई ये लास्ट का लगता है हमारे लिए बच गया, हम ही लोग टेस्ट करके जाएंगे। आपके लिए ही बचा है चटनी, बाकी डब्बे भी चाट के हम ही लोग चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं। और मैम और क्या क्या चीजें रखती है इसके अलावा? नवरात्र की वजह से बिना लहसुन प्याज का खाना आ रहा है। मैं आपको मैम नहीं कहता, दीदी कहता हूँ। मैम से ना वो अपनापन नहीं झलकता, ठीक है? तो दीदी बोलते हैं। तो दीदी और क्या रखा हुआ है? ये देखिए, ये रही आपकी कड़ी बिना लहसुन प्याज की। कड़ी बिना लहसुन प्याज की नवरात्र के चक्कर, उसके बाद आप लहसुन प्याज में डालेंगे? ओके, लहसुन प्याज डालेंगे। ओके, वो तो शुरू में थोड़ा सा हो गया कि मैं नॉन वेज ले आई, मैं खुद वेजिटेरियन हूँ। और मैम नेक्स्ट आइटम अपना दिखाइए। जो कि हम थाली में देते हैं साथ में, ये देखिए, एक एक चावल एक एक दाना गिन लो। देखो महक भी बहुत अच्छी आ रही है, ऊपर तक। मैं कह तो रही हूँ, पूरे नेहरू प्लेस में बता दो कोई ऐसे चावल खिला रहा है तो। ये बासमती राइस का जो डब्बा मेरे यहाँ तक आ रहा है घुटने तक, और मेरी हाइट है 5'10", यहाँ तक महक आ रही है, ऊपर तक एकदम महक आ रही है। बढ़िया वाला चावल है भैया, पूरे नेहरू प्लेस में कोई भी नहीं खिलाता है। तो मैम अब कोई नहीं खिलाता तो आप हमें तो खिलाइए। अरे आओ भैया, आप लोगों को आप लगाइए हमारे लिए, बहुत खाएंगे बताइए। अब आप यही लगाइए बिरयानी, हाँ, जो आपकी सबसे ट्रेडमार्क डिश बनी हुई है। आजी, 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 आजी। यहाँ तो बिरयानी के फैन है, ये लीजिए। तो भैया ये हमारी एक प्लेट बिरयानी लगने जा रही है, माँ के हाथ की बनी, माँ के प्यार की बनी हुई बिरयानी। ओहो, इसमें एक माँ का प्यार नहीं है, दो माँ का प्यार है। दो माँ है इसमें। देखो जी, एक तो मैं माँ हो गई, एक मेरी मम्मी माँ हो गई, और डबल मम्मी हो गई ना। अच्छा, डबल फायदा ना, सिंगल काम, पूजा दीदी जिसका नाम। बिल्कुल जी। ये लो भैया चटनी, ये आपके नसीब की बची हुई है चटनी। चलो ठीक है, ठीक है, खाओ अभी खाओ, और सुबह याद कर लेना। सुबह याद क्यों कर ले, बहुत ज्यादा स्पाइसी तो नहीं है ये? ओके, ऊपर से आगे भैया गार्निशिंग के लिए खीरे, और आगे भैया चकुंदर। तो अभी मैडम इसका एक प्राइस भी बता दीजिए। देखिए हाफ प्लेट का है 35 रुपीज, और फुल का है 60 रुपीज। ओके, हाफ का 35 और फुल का 60। एक बार ये देख लीजिए भैया, इनका बोर्ड देख लीजिए, ये घुचुर मुचुर आपने कर दिया चिकन बिरयानी पे। देखो भैया, इसमें कराया गया, हमारे कस्टमर जो है ना उनको नॉन वेज चाहिए नहीं, और हमें पसंद भी नहीं बनाना, तो हमने हटा ही दिया। बड़ा बुरी तरीके से इस पे पेन चलाया, इससे बढ़िया तो कुछ चिपका देते हो। ना ना ना, कोई बात क्या भैया, अभी देखो शुरुआत है, अभी कुछ है नहीं, देखो बजट है नहीं हमारा नया बोर्ड बनवाने के लिए। जैसे तैसे आप जैसे भाई लोग थोड़ा बहुत मदद कर गए, थोड़ा सा काउंटर सही लग गया है। बिल्कुल, बस अब देखो आपकी दुआ से, आपके आशीर्वाद से चलता रहेगा दूसरा बोर्ड। लेकिन मैम एक चीज है, दिल से सलाम करता हूँ अपने हमारी फूड मस्ती ऑफिशियल के टीम की तरफ से, कि आपका जो जज्बा है ये बहुत पसंद आया हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे पूरे नेहरू प्लेस में मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा, किसी लेडीज ने अपना कोई सेटअप शुरू किया, क्योंकि मेल डोमिनेंस जिसको कहते हैं ना, पुरुष प्रधान समाज में इन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया है, खुद का अपना स्टैंड लिया है, अपना खुद ही खड़ी हुई है अपने पैरों पे। देखो नवरात्रे चल रहे हैं ना, मैया को मानते हो ना? बिल्कुल मानते हो ना मैया को, तो मैया का एक छोटा सा स्वरूप हम भी है, हम में भी माँ है, हम में भी बेटी है, हम में भी बहन है, हम भी नारी है। बिल्कुल, क्यों नहीं है। तो ठीक है मैम, अब टेस्ट करते हैं आपकी लजीज बिरयानी, घर की हाथ की बनी बिरयानी, जिसका मैंने सुना है भैया जुबान से उतर के दिल में चली जाती है बिरयानी, ऐसा मैंने सुना हुआ है, तो हम भी जरा टेस्ट करके बताते हैं और चख के बताते हैं। तो मैम आपके सामने टेस्ट करूंगा, सारा जायका सारा रिव्यू आपके सामने दूंगा, ठीक है? जैसा लगेगा एकदम एग्जैक्ट बताऊंगा, लेकिन ये चीज है, क्योंकि देखो भैया खाओ और बताओ, कहीं गलती है तो वो भी बता दो, हम सुधार कर ले। कोई भी यहाँ पे दुकान वाला ऐसे नहीं बोलता होगा मेरी चीज खराब है, मेरे मुँह पे बोल जाओ भैया, मेरे मुँह पे बोल के जाओ, गलती भी है तो हमारे मुंह पे बोल के जाओ। तो ठीक है, करते हैं टेस्टिंग और बताते हैं क्या है जायका इसका। तो जैसे कि हमने दिखाई दिया वीडियो में, एकदम खिले खिले चावल हैं, एकदम अलग अलग एकदम दाने हो रखे हैं सारे के सारे। और ये लिया भाई मैंने एक बाइट, और बीच में चटनी मैडम ने डाल दिया है, और इसके साथ मैंने ये खीरा भी उठा लिया। चटनी थोड़ी लेना, पता चला पानी, पानी पीते जाओ। नहीं, थोड़ा बहुत आपने इसमें डाला है, गुदा वगैरह भी डाल रखा है, ठीक है। जो सुबह वाली बात कर रही थी ना, वो टेस्ट लेते पता लग गया क्यों कर रही थी। याद करोगे? स्पाइसी लवर, दिस इज द हेवन फॉर यू। स्पाइसी, बहुत ज्यादा स्पाइसी चटनी है। अभी मैं तरीके से स्वाद समझ नहीं पाया कि मुझे स्पाइसी ज्यादा लगा। देखो मोमोज वाली चटनी होती है ना, देखो उसमें लाल मिर्च डली हुई होती है, वो लाल मिर्च के जो बीज होते हैं ना हमारे आंतों को खराब करते हैं। ओके, और इसमें जो चटनी मैंने जो पीसी है ना, वो लाल मिर्च नहीं पीसी है, जो अपनी हरी मिर्च होती है ना लाल वाली, अज़ा, फ्रेश अज़ा, वाली, ये वो पीसी है। देखो ना तो वो पेट को खराब करे, ना हाजमे को खराब करे, आंखों को भी अच्छी रोशनी देने में भी दिक्कत नहीं होती उसमें, मतलब खाना जो हमारा जो पेट है उसको हष्ट पुष्ट रखती है। जितनी फ्रेश चीजें खाओगे तुम्हारे शरीर को उतनी अच्छा है। लाल मिर्च की चटनी खाओगे, मोमोज खाते हो तुरंत बीमार पड़ जाते हो, ये खा लो और तुम और ताकतवर हो जाओगे। बीमार ना होने के तुम ताकतवर हो जाओगे। तो ये रास्ता भी है जो छिपा के रखा था।
अब खा के देखते हैं फिर से, एक और स्वाद लेके देखते हैं। तो सत्य वजन की घड़ी होती है ना, उसमें सत्य एकदम एग्जैक्ट एकदम रिव्यू देता हूँ जो मैं बताता हूँ। हर कोई बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी चला जाके बोलता भैया घर का स्वाद है, घर का खाना है, घर का ये, वो फेक यूट्यूबर फेक होते होंगे, लेकिन यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ सिंपल बहुत ज़्यादा टेस्टी, सिंपल के साथ साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा यमी टेस्ट है इसका बिरयानी का। जो एक ऑथेंटिक जो घर का स्वाद है ना वो यहाँ पे मिलेगा। अगर आसपास अगर आप लोग हैं यहाँ पे कहीं पे भी और आपको घर का खाना नहीं मिलता कहीं पे भी, या तो कहीं अपने परिवार से दूर रहते हैं और माँ के हाथ का अपनी बहन के हाथ का खाना मिस करते हैं, तो ये है भैया आपके लिए। यहाँ पे आइए, पूजा दीदी के हाथ का खाना खाइए, आपको वही टेस्ट आएगा। ये वो वाली थाली है ना, जब एक इंसान थका हार अपने घर जाता है ना, तो जो माँ जो अपने परोसती है ना थाली, ये वही प्लेट है। ये खाली खाना नहीं है, ये माँ का प्यार है। जैसे बेटा काम करके आता है ना शाम को थक जाता है, मम्मी कहती है बेटा खाना खा ले, तो ऐसे थाली तो ये थाली जो आगे करती, ये वो थाली है, ये वो प्लेट है। कोई स्पेशल अगड़म तगड़म तिगड़म जो जम, कोई सीक्रेट नहीं है, कोई सीक्रेट मसाला नहीं है भैया। नॉर्मली नमक तेल मिर्च मसाले का, नमक मिर्च हल्दी बस, गरम मसाला भी नहीं यूज करती हूँ, क्योंकि गरम मसाला भी जो है वो पेट को खराब करता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। हाँ लोग खाते होंगे कोर में शोर में या ऊटपटांग चीजें उनमें यूज होता है, लेकिन है ना इसमें मैंने कुछ भी ऐसी चीज यूज नहीं की है जो आपके पेट को, मतलब कहने के मतलब ये कोई भी जंतर मंतर काली कंतर कलंतर कुछ ऐसा कुछ नहीं करा है, एकदम सादा खाना है, लेकिन सादा है, लेकिन ये मत भूलिएगा कि स्वाद नहीं है, स्वाद बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जुबान से उतर के दिल में चला गया ये खाना। तो दीदी बहुत ही टेस्टी खाना आप बनाते हो, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ में मैजिक है, जैसे होता है हर एक हमारी वुमेंस के हाथ में मैजिक होता है, जो बिना कोई स्पेशल मसाले डाले भी खाने को एकदम ऑसम इस लेवल का बना देती हैं, वही वाला स्वाद है इसमें। तो बस अब करता हूँ मैं ये अपना वीडियो का रैपअप करते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी और भी वुमेंस को हम लोग इंकरेज करते हुए कहीं पे और भी जाएंगे, मिलेंगे उनसे भी। तब तक के लिए भैया चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो पसंद आई है तो फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। जय माता दी, करते हैं फिनिश, गिराते हैं शटर।